एनआरसी को इम्प्लीमेंट कर एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की रचना करेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, हम में हिम्मत है इसलिए हमें करने के लिए, इसका नाम ही नेशनल सिटीजन रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। न केवल आसाम, देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे। स्वाभाविक रूप से 2024 के पहले पूरे देश भर में आप इसको लागू कर सकेंगे। एनआरसी क्या है अंततः? आई हैव नॉट रेड द एक्ट फुली। एनआरसी करेंगे मगर मान कर चलिए एनआरसी आने वाला है। एनआरसी बस झूठ चलाया जा रहा। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई। क्योंकि एनआरसी अभी कहीं विचार में ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि ना कैबिनेट में चर्चा हुई ना पार्लियामेंट में एनआरसी ये एक्ट में किसी ने कहा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए।